तो भाइयों और बहनों, यहाँ एक और बड़ा धमाका हमारे सनी पाजी ने कर दिया है, और वो सनी पाजी का धमाका भी बड़े शानदार तरीके से करा गया है। भैया, गदर 2 के बाद से इनको लगातार अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। 2024 में फिर एक और अवार्ड मिल गया जिसका नाम है जी स्ने अवार्ड, और इस जी स्ने अवार्ड पे इन्होंने एक मूवी का सीक्वल के बारे में बहुत जबरदस्त घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि गदर 2 के बाद तो हर कोई एक्साइटेड है, खासकर सन्नी देओल तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उनका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बनता भी है दोस्त, क्योंकि पिक्चर इतनी सुपर डुपर जो हिट हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई उसके बाद से सनी देओल की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। लगातार बड़े बड़ी जितने भी कलाकार हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सनी देओल के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और काम करना बनता भी है। जब कोई पिक्चर 690 करोड़ कमा ले, वो भी सीक्वल, और 22 से 23 साल बाद आए, तो भाई जाहिर सी बात है, उस वो कहते हैं ना, उस घोड़े पे तो पैसा लगाने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है, क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। और ऐसा ही कुछ हमारे सन्नी पाजी ने करके दिखा दिया, लंबी रेस के घोड़े बन गए हैं। इसी के चलते उनके ऊपर पैसा लगाने के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर लगातार तैयार बैठे हुए हैं। पर बात करें हम अवार्ड की, दोस्तों हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले जी स्ने अवार्ड से हमारे सनी पाजी को नवाजा गया है, और सिर्फ सनी पाजी को नहीं नवाजा गया, अनिल शर्मा को भी नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों, और ये जो जी स्ने अवार्ड है ना, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गदर 2 को दिया गया, और गदर 2 के डायरेक्टर एंड एक्टर सबसे बड़े हमारे सनी पाजी को इस अवार्ड से जब नवाजा गया, तो उन्होंने कहा कि मोस्ट अवेटेड मूवी रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मूवी के अंदर जो सनी देओल का किरदार था, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार था। साथ ही साथ अनिल शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही। अनिल शर्मा ने कहा कि इस मूवी के ऊपर 22 साल से काम चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, 22 साल से इस मूवी को बनाने की बातचीत चल रही थी, बट फाइनली ये जो हमारे सनी पाजी है ना, इनका जो वो कहते हैं ना किरदार कह लो या इनकी पर्सनैलिटी, वो अंगद के पैर की तरह एक बार जम जाती है तो हटने का नाम ही नहीं लेती, ऐसा कुछ कहा अनिल शर्मा ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सनी देओल खुद कह रहे थे कि भाई मूवी को बनाना है ना तो जबरदस्त स्टोरी के साथ बनाना है, क्योंकि गदर बहुत सुपरहिट मूवी रही है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी इसकी अच्छी खासी रही है, लोगों के साथ इमोशंस बहुत अच्छे रहे, तो क्यों ना जब गदर 2 बनाया जाए तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, जो कि लोगों से दोबारा से कनेक्ट हो सके और उनके बीच की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो सके, जिसके चलते मूवी को दोबारा बनाया गया और इतने साल बाद जब उसे रिलीज करा गया, तो फाइनली मूवी ने बहुत जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से कलेक्शन करके साबित करा। बट अब गदर 2 की तो बात हो गई क्लियर, अब उसी मंच पे, उसी सेट के दौरान, उसी प्रोग्राम के अंदर, उसी जीत स्ने अवार्ड के अंदर, जो हमारे अनिल शर्मा थे जो कि डायरेक्टर है गदर 2 के, उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कह दिया कि फाइनली दोस्तों रेडी रहिए, गदर 3 आने वाले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि साफ साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि गदर 3 की शूट स्टार्ट होने वाली है और जल्द ही गदर 3 को लाया जाएगा, ये खुद उन्होंने बोला अनिल शर्मा ने। और सनी पाजी ने भी नारा लगाया अपना बात कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और दोस्तों बस इसके बाद तो जो जी स्ने अवार्ड के जितने भी दर्शक थे, जितने भी ऑल सेलिब्रिटीज थे, वो सारे के सारे सनी देओल के इस नारे के साथ बहुत खुश हुए, और सीटियां और तालियों की गड़गड़ाहट पूरे की पूरे शो के अंदर बजने लगी। बस ये सबसे बड़ा मोमेंट था जिसको देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही प्राउडली मोमेंट था अनिल शर्मा के लिए भी, और साथ ही साथ सनी देओल के लिए भी। अच्छा, इस अवार्ड के अंदर कौन कौन शामिल था, ये सबसे बड़ी जानने वाली बात है। इस अवार्ड के अंदर एक्चुअली के अंदर शामिल जो थे, वो थे हमारे बॉबी देओल, करण देओल, राजवीर देओल और तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लगभग लगभग पूरा बॉलीवुड था, बट यहाँ सनी देओल की फैमिली की तरफ से ये सारे कलाकार मौजूद थे, और ये मौजूदगी होनी जरूरी भी थी, क्योंकि एक तो सनी देओल डैशिंग लग रहे थे यार, ब्लैक कोट पैंट के अंदर ब्लैक शर्ट डाला हुआ था उन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये है कि सनी देओल को जब ये अवार्ड दिया गया तो सनी देओल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश थे, और अनिल शर्मा तो एक्साइटेड थे ही थे, एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। और फाइनली उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर डाली कि गदर 3 भी बनने जा रही है, और गदर 3 बहुत सुपर डुपर हिट मूवी होगी और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई जाएगी इस पिक्चर को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गदर 3 की तो बात सामने निकल के आ गई है, अब वहीं हम सनी देओल का बयान उठाए तो भैया वो नाराज बेशक होते रहते हैं, बट जब इस तरह के बयान सनी देओल देते हैं कि गदर 3 ये 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, पता नहीं ना जाने कौन कौन से सीक्वल्स कर रहा हूं, क्यों इस तरह की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, और उसके बाद जब सनी देओल के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स खुद इस तरह की घोषणा करते हैं, सनी देओल इस तरह की घोषणा करते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है, एक अलग फॉर्म में चली जाती है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम सनी देओल की जो डिमांड है मार्केट की, वो हाई तो है ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुछ जो एक तरह से देखा जाए ट्रोलर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, कंटिन्यूसली वो सनी देओल पे प्रहार करने की कोशिश में लगे हैं। उनका कहना यह है कि सनी देओल को लगातार पिक्चरें तो मिल रही हैं, बट जैसी गदर 2 पिक्चर आई,
गदर 2 के बारे में ये कहा जाता है, सीधी सिंपल है भाई, गदर 2 बेशक सुपर डुपर हिट मूवी रही है, 690 करोड़ कमाए, बट इसके रिव्यूज बहुत गिरे हुए, बहुत डाउन रहे हैं, क्योंकि मूवी की कोई भी स्टोरी नहीं थी जी। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मूवी में सिर्फ सनी देओल ने वो दहाड़ गरज के साथ जो वो बस आधा पौना घंटा खींचा है, बस वही कह लीजिए कि बस पिक्चर में जो है देखने लायक वो है कुछ परसेंट, वो भी वो ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4%, और उसके बावजूद भी मूवी इतनी अच्छी कलेक्शन कर गई। तो अब जो ट्रोलर्स हैं उनका कहना यही है कि सनी देओल के पास कोई स्टोरी नहीं थी, बस गदर 2 का प्रमोशन करा गया, हिंदू मुसलमान दिखाया गया, पाकिस्तान भारत दिखाया गया, इस वजह से पिक्चर हिट हो गई, क्योंकि कहानी कुछ भी नहीं है, रिव्यू बहुत गंदे मिले हैं इस मूवी को। बट वो कहते हैं ना कि जब किसी का प्रमोशन करा जाता है जबरदस्त लेवल पर, और हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान के लेवल पर, तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है, ये ट्रोलर्स का कहना है। अब दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अब ये बॉर्डर 2 लेकर आ रहे हैं, बॉर्डर 2 में भी कुछ नहीं होने वाला, बकवास दिखाया जाएगा, जो बॉर्डर ने कमाया था या जो बॉर्डर में दिखाया गया था वही एक चीज थी। अब बॉर्डर 2 को तो बस ड्रामे के लिए बनाया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए बनाया जा रहा है, कोई स्क्रिप्ट इसकी बेहतरीन नहीं होने वाली, कोई स्टोरी इसकी बेहतरीन नहीं होने वाली, लोगों के दिलों तक छू नहीं पाएगी, लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी, हर टचिंग मूवी नहीं होने वाली है, यानी कि बकवास ही दिखाया जाएगा। भारत पाकिस्तान है तो इस वजह से अगर बॉर्डर 2 चलती है तो चलती है, अदरवाइज नहीं चलेगी, क्योंकि अब जनता समझ गई है कि सनी देओल एक टूटा हुआ सितारा है। सितारे तो लगभग चमक रहे हैं बट ये टूटा हुआ है, टूट चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो चुका है, फिनिश्ड, ही इज फिनिश्ड, ऐसा कहना है ट्रोलर्स का। बट ट्रोलर्स के कहने से क्या होता है, सनी देओल के फैंस जो है वो तो काफी ज्यादा खुश हैं, उनका कहना तो ये है जिस तरह से गदर 2 के अंदर परफॉर्मेंस दी है सनी देओल ने, उससे लाख गुना अच्छी परफॉर्मेंस वो बॉर्डर 2 में देंगे, या लाहौर 1947 में देंगे, या और भी जो उनकी मूवीज आने वाली है उसके अंदर देंगे, और ये जो मूवीज होंगी ये बहुत बेहतरीन होगी, बहुत जबरदस्त होगी और बहुत शानदार होगी। अब ये सब देखने वाली बात होगी कि फाइनली, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर इस टाइम सनी देओल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर हम बात करें सफर की, चाहे हम लाहौर 1947 की बात करें, चाहे हम सूर्या मूवी की बात करें, बॉर्डर 2 की बात करें, या फिर SDGM की बात करें, ये तमाम तरह की जितनी मूवीज हैं, या फिर हम बात करें हमारी सन ऑफ सरदार 2 की, ये तमाम तरह के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरे हुए हैं और लोगों को बहुत उम्मीद है इन प्रोजेक्ट से, जो सनी देओल के फैंस है खासकर उनको, और सनी देओल को भी काफी ज्यादा उम्मीद है। अगर ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होती हैं तो जो सनी देओल इस इंडस्ट्री में कमाल दिखा देंगे, अपना जो जादू बिखेर देंगे, वो शायद ही कोई इंडस्ट्री में बिखेर पाएगा या बिखेर सकेगा। ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होगी हमारे सनी पाजी के लिए भी, और बहुत ही ये एक खुशी वाली बात भी होगी, खुशी वाला लम्हा भी होगा, क्योंकि 2023 जितना अच्छा रहा है 2024 और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2024 में सनी देओल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, और वो अनाउंसमेंट भी बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि फाइनली सनी देओल को इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, इन अवार्ड्स के बदले में वो जनता को क्या देते हैं, अपनी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी कितनी अच्छी एक्टिंग देते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जी सिनेमा अवार्ड मिल गया है, बॉर्डर 2 करने जा रहे हैं, अब जो गदर 2 जैसी परफॉर्मेंस जो रही है सनी देओल की, गदर वाली जो परफॉर्मेंस रही है, वो क्या गदर 3 में भी देखने को मिलेगी या बॉर्डर 2 में देखने को मिलेगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।